और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। जी हाँ, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार का ये बयान शायद बिहार चुनाव के परिणाम पर एकदम फिट बैठता है, लेकिन क्या ये बात महागठबंधन के लिए फिट बैठ रहा है? तो शायद जवाब होगा नहीं, क्योंकि परिणाम में तो महागठबंधन के लिए अंत भला ही नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे महागठबंधन के लिए अंत भला नहीं हुआ? हार के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, जिनमें से एक वजह कांग्रेस को भी बताया जा रहा है। चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन जीत के नजदीक पहुंचकर भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। आरजेडी शुरू से ही इस पक्ष में नहीं थी कि कांग्रेस को 70 सीटें दी जाएं, लेकिन भारी दबाव और लालू के हस्तक्षेप के बाद तेजस्वी 70 सीट देने पर राजी हुए। 70 सीटों में मात्र 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस स्ट्राइक रेट में काफी पिछड़ गई। पार्टी के नेता तारिक अनवर, शकील अहमद, सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ये मानते हैं कि कांग्रेस को जितनी ताकत चुनाव में लगानी चाहिए वो उतनी ताकत लगाने में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस से कहां चूक हो गई? तो बता दें कि बिहार के तमाम स्थानीय नेता कांग्रेसी नेता शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं कि उम्मीदवारों का चयन करते समय चुनाव परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है। टिकट वितरण तक जिम्मेदारी संभालने वाले शक्ति सिंह गोहिल चुनाव आते आते पूरे सीन से ही गायब हो गए, या उन्हें किनारे कर दिया गया और पूरा चुनाव रणदीप सुरजेवाला के हवाले कर दिया गया। वहीं अवनीश पांडे की भूमिका महज एक स्टेपनी बनकर रह गई। शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से निभाई, लेकिन स्थानीय नेता लगातार टिकटों को बेचने का आरोप लगाते रहे। इन नेताओं का मानना था कि 70 में से 20 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस ने हारने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाया। चुनाव की जिम्मेदारी उन लोगों पर थी जो बिहार की राजनीति को जानते ही नहीं थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कड़ी टिप्पणी की कि चुनाव की जो तैयारी एक साल पहले की जानी थी, कांग्रेस ने चुनाव से 2 महीने पहले उसकी शुरुआत की। प्रचार अभियान भी लचर था, राज्य के वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जिनको स्थानीय नेताओं का कोई समर्थन नहीं है, राज्य में पार्टी चला रहे थे, जबकि सदानंद सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, तारिक अनवर, शकील अहमद और युवा नेताओं को चुनाव के दौरान विश्वास में ही नहीं लिया गया। बता दें कि कांग्रेस का खराब प्रदर्शन केवल बिहार की बात नहीं, 31 राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश को छोड़कर खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि भाजपा ने 59 सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो या फिर मणिपुर हो, कांग्रेस शून्य पर चली गई। गुजरात की 8 सीटें, मणिपुर की 4 सीटों, मध्य प्रदेश में 19 सीटें और उत्तर प्रदेश में सपा को मिली 1 सीट को छोड़कर सभी सीटें भाजपा ने जीत ली। इन तमाम पराजय के बाद भी कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर रही है। जिन नेताओं ने पिछले दिनों बगावत का स्वर मुखर किया था वे खामोश जरूर हैं, लेकिन चिंगारी उनमें अभी भी सुलग रही है। वहीं स्वर मुखर करने वाले एक नेता ने टिप्पणी की कि कांग्रेस को उस चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा जिसने राहुल के चारों ओर जाल बिछा रखा है। इस नेता का इशारा रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, सरीखे नेताओं की ओर था, लेकिन इस आक्रोश के बावजूद सचिन पायलट, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम नेता खुलकर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें कांग्रेस महाधिवेशन का इंतजार है, जहां खुली बहस के साथ अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि इस महाअधिवेशन में बगावत की सुलगती आग धधकेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।